गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर दिस न्यू सेशन। स्टूडेंट्स, वी विल गोइंग टू स्टार्ट अवर सिविक्स पार्ट, मेन पार्ट नंबर थर्ड, SST पार्ट नंबर थर्ड। दिस इज सिविक्स। सो हेयर चैप्टर नंबर वन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के ऊपर हम बात करेंगे आज। भारतीय संविधान की विशेषताएं और उसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम इसको स्टार्ट करें, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, मीन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके बुक में भी एग्जांपल करके दिखा रखा है, कोई भी, चाहे खेल हो, चाहे हमारे सामाजिक ढांचा हो, कोई भी हमारे छोटे मोटे कोई भी प्रोग्राम हो, सबका कुछ ना कुछ अपना एक नियम होते हैं, अपने कुछ तरीके होते हैं चलाने के। हमारा चाहे स्कूल है, चाहे कोई और संस्था है, इसके अपने कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं। तो इन नियम कायदे कानून का जो लिखित रूप से, रिटर्न रूप से जो डॉक्यूमेंट होता है, जो दस्तावेज होते हैं, व्यवस्थित दस्तावेज, उसको संविधान कहते हैं। यानी कि अगर खेल, कई कोई फुटबॉल का खेल है या क्रिकेट का खेल है, खेल के अलग अलग खेलों के हिसाब से उनके अपने अपने नियम होते हैं, तो वो उन नियमावली जो उन खेलों की होती है, पर्टिकुलर किसी गेम के अगर कोई नियमावली है, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम। सो ऐसे ही किसी देश को चलाने के लिए, राष्ट्र को चलाने के लिए भी कुछ नियमों की एक व्यवस्था के तहत कुछ व्यवस्था बनानी पड़ती है। उनके कलेक्शन को, उनके पूरे के एक इंक्लूडिंग पूरे नियम कायदे कानून को हम इकट्ठा करके उस व्यवस्था को, उस दस्तावेज को हम क्या कह लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कह लेते हैं या संविधान कह लेते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो पेज में देखिए आप, पेज नंबर 5 में है, व्हाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता ही क्यों होती है, क्यों, क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के क्या संविधान, क्या देश नहीं चल सकता। पहले के ज़माने में जब लोकतंत्र नहीं हुआ करते थे, तो क्या देश की व्यवस्था नहीं चलती थी, दुनिया में समाज के कायदे कानून नहीं थे क्या, ऐसा नहीं है, तब भी समाज चलता था। लेकिन विशेष करके लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, जब से विश्व में, संसार में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है, तब से संविधान की कल्पना साकार हुई है, और संविधान सभी लोगों की, खास करके लोकतांत्रिक राष्ट्रों के हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया जाने वाला एक नियमावली है, कायदे कानून है, जो सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, उसके लिए कानून की जरूरत पड़ती है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं स्टूडेंट्स, आपके स्टोरी बोर्ड में दिखा रखें। नेपाल का एग्जांपल है, नेपाल ने लोकतांत्रिक सत्ता प्राप्त करने के लिए, यानी सेकुलरिज्म को अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। कुछ कहानी यहाँ पर हैं, जैसे 1990 में पहली बार यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ था, इसके लिए स्ट्रगल हुआ था, और 12 ईयर बाद फिर से 2002 में फिर से राजा ज्ञानेंद्र ने इसको वापस यहाँ पर एक सैनिक कानून लगा दिया था, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चला, और अल्टीमेटली 2006 में अल्टीमेटली पूरी तरह से हटा दिया गया, और नेपाल को एक डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया। नाउ नेपाल इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री। पहले यहाँ पर क्या था, राजशाही का शासन हुआ करता था, राजा की सत्ता के अकॉर्डिंग शासन चलता था, राजा सबसे बड़ा शासक, सबसे बड़ा जो अधिकारी था, मतलब एक देश का मालिक था, राष्ट्र का अध्यक्ष था, वो राजा हुआ करता था, और राजा का बेटा राजा का, इस तरह से वो परंपरा वहाँ पे वर्षों से चली आ रही थी, तो उसको नेपाल ने भी अब हटा दिया। एक और आप देखो, एक और यहाँ पर एक अच्छा स्टोरी बोर्ड दे रखा है आपको, कि मैडम किसी बच्चे को, किसी ठीक ठाक बच्चे को, जैसे क्लास कोई चल रही हो और मैडम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हो, अब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या दोष है, क्या कमियाँ हैं, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। माना हम किसी को कोई पावर दे देते हैं, सत्ता दे देते हैं, और वो व्यक्ति उस सत्ता का दुरुपयोग करता है। जैसे किसी क्लास में कोई मैडम चैप्टर पढ़ा रही है, अचानक मैडम को बाहर जाना पड़ गया, और इस बीच मैडम ने किसी लड़के को जिम्मेदारी दे दी कि भाई आप थोड़ी देर क्लास को देख लीजिए, अब उस बच्चे ने उस चीज़ का दुरुपयोग करते हुए, गलत फ़ायदा उठाते हुए किसी बच्चे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया,
तो अब क्या हुआ, उस बच्चे ने उस सत्ता जो उसको ताकत मिली है थोड़ी देर के लिए मिली है, लेकिन उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और किसी दूसरे बच्चे को एक तरह से टॉर्चर करना प्रारंभ करता है। तो ये दिस इज द मिसयूज ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक कमी है यहाँ पे कि यह इस तरह से अगर किसी को हमने सत्ता दे दी और वो उस सत्ता का दुरुपयोग करता है तो हम इससे निजात हमें कैसे मिले। तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या है, हमारे जो डेमोक्रेसी है उसमें फिक्स ड्यूरेशन है, टेनर है, फिक्स है, 5 ईयर टेनर है या 6 ईयर टेनर है, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का है और लोकसभा विधानसभा के सदस्यों का 5 साल का कार्यकाल है। इस 5 साल के कार्यकाल में कोई सरकार, कोई सत्ता जितना काम करती है जिसके अकॉर्डिंग उसको फिर 5 साल बाद फिर से जनता के बीच जाना पड़ता है और उसको फिर से बहुमत के साथ वापस आना पड़ता है। अगर बहुमत आ गया तो ठीक है, नहीं तो उनको हटा दिया, वो स्वाभाविक रूप से हट जाते हैं और नई सरकार वहाँ पर फॉर्म हो जाती है। तो 5 साल के अंतर्गत जिन इन लोगों को सबका ही एक तरह से मतलब विश्वास जीतना पड़ता है तभी जा कर के दोबारा सत्ता में वापस आ सकते हैं, ऐसा हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था में है। एक और चीज़ क्या है यहाँ पे, अब बात आती है कि वोट की मतलब मेजॉरिटी में जो दल आएगा, मेजॉरिटी में जो पार्टी आएगी वही सत्ता संभालेगी। एक और स्टोरी बोर्ड इसमें दे रखा है, लड़के लड़कियाँ का ग्रुप है क्लास में और उनको खेल के लिए खेल के पीरियड में टीचर खेल खिलाना चाहते हैं, तो आप कौन सा खेल खेले इस पे कंट्रोवर्सी होती है। कंट्रोवर्सी का अब परिणाम क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा नंबर ऑफ में हैं वो लोग जीत जाते हैं, बॉयज़ ज़्यादा नंबर्स में हैं तो बॉयज़ वाला खेल जो है खेलना पड़ता है लड़कियों को। तो लड़कियां उस पे ऑब्जेक्शन करती है कि भाई हम अगर माइनॉरिटी में हैं तो हमें लड़कों के अकॉर्डिंग क्यों चलना पड़ेगा। तो एक कमी ये दूसरी है यहाँ पे कि अगर मेजॉरिटी में अगर कमज़ोर लोग आ गए, अगर ज़बरदस्ती लोग आ गए और ऐसे लोग आ गए मेजॉरिटी में के जिन्होंने उस ताकत का, उस सत्ता का दुरुपयोग करना है, तो फिर क्या हो, ऐसे में क्या हो। तो ये भी एक जो मेजोरिटी की बात है, बहुमत की बात है, उसकी एक कमी है। एक अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या है कि अगर हम मिलजुल कर रहे हैं, सब लोग एक साथ हैं, तो एक और स्टोरी बोर्ड यहाँ पे दे रखा रखा है आपको कि बच्चे का पेपर है और घर में कोई अच्छा सा सीरियल चलता है, अब उस सीरियल को देखने के लिए बच्ची भी लालायित है। बच्चे अगर पेपर सीरियल देखे तो पेपर खराब होता है और अगर पेपर देखे तो सीरियल छूटता है। तो एक अच्छा स्टोरी बोर्ड यहाँ पे आप थोड़ा पढ़ेंगे इसको, तो उसमें अल्टीमेटली क्या होता है कि बच्ची पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा आप आज 2 दिन तक आप सीरियल को ना देखें और इससे मेरी पढ़ाई हो जाएगी, अगर आप देखेंगे तो मेरा भी मन करेगा देखने के लिए और मेरी भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो अल्टीमेटली पेरेंट मान जाते हैं और आपस में ये तय करते हैं कि 2 दिन तक कोई भी टीवी नहीं देगी, टीवी घर में चलेगा ही नहीं। तो इससे फायदा ही होता है बच्चे को कि वो पढ़ाई कर लेती है, उसका पेपर अच्छा होता है, 2 दिन बाद फिर से वो सब लोग टीवी देखते हैं। तब मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक देश की सत्ता, लोकतांत्रिक देश की सरकार मिलजुल कर चलती है, सबका सम्मान करते हुए, चाहे वो माइनॉरिटी में हों, चाहे मेजोरिटी में हों, चाहे कमजोर हों, चाहे धनवान हों, चाहे छोटे तबके के हों, बड़े तबके के हों, हर एक की प्रॉब्लम को लेकर के चलना पड़ता है। दिस इज़ द डेमोक्रेसी, इसी को कहते हैं हम डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र में हर एक के दर्द को, हर एक के समस्या को लेकर के अगर गवर्नमेंट चलती है तो इसमें सही मायने में वो डेमोक्रेसी कहलाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी की फीचर्स कुछ दे रखे हैं इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारे संविधान के, उसके एक तो है पे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब के संघवाद जिसको बोलते हैं, कि पूरा जो देश है वो क्या है, एक संघ है हमारा, भारत राज्यों का संघ है और इन राज्यों की समस्याएं हमारे भारत की समस्या है, इन राज्यों की जो अच्छाइयां हैं वो सारे राज्य, सारे देश की अच्छाई है। तो इस तरह से कि मैंने सारे लोग मतलब कोई भी ये ना समझे अपने आप को कि हम पीछे हैं, हम आगे हैं, ये ज़्यादा डेवलप हैं, ये ज़्यादा बैकवर्ड हैं। तो इस तरह से ये क्या है, राज्यों का एक संघ है और जैसा आपको पता ही है 28 स्टेट हैं और 9 टेरिटरीज हैं, सेंट्रल टेरिटरीज। तो इस तरह से हमारा जो पूरा जो देश है, जो राष्ट्र है, जो संविधान है, तो इन सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। नेक्स्ट विशेषता क्या है इसकी, संसदीय शासन प्रणाली जिसको बोलते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म। हो पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब कि संसद जो है वो सर्वोच्च है हमारे यहाँ, संसद का हिस्सा मतलब सेंट्रल लेवल पे जो है
राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद बनाते हैं और इस संसद को कानून को बनाने का अधिकार केवल और केवल इस संसद को ही है। संसद की पूरी सहमति चाहिए तभी जाकर कोई, यानी संसद और संसद कहाँ है, संसद में कौन बैठते हैं, सांसद बैठते हैं, और सांसदों को कौन इलेक्ट करता है, पब्लिक इलेक्ट करती है। तो मतलब यह है कि कुल मिला के पब्लिक के थ्रू सांसद जाएगा और सांसद फिर पब्लिक के लिए कानून और नियम बनाएगा संसद के अंदर बैठ करके चर्चा के माध्यम से। तो ये हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म। सेपरेशन ऑफ पावर्स, अब पावर का जो सेपरेशन है, मैंने अलग अलग पावर से, मतलब के राज्यों को अपने स्तर पे पावर है, सेंटर की पावर है, वहाँ पर तीन संघ सूचियाँ हैं हमारे यहाँ। तो कानून राज्यों का भी अधिकार है और केंद्र का भी अधिकार है, यानी अपने मामले में केंद्र कानून बनाएगा और जहाँ पर कुछ विषय ऐसे रखे गए हैं जिन पे राज्य भी कानून बना सकता है अपने परिस्थिति के अकॉर्डिंग, तो ये सेपरेशन हो गया, यानी केंद्र हो गया, राज्य हो गया और थर्ड टीयर जो है, तीसरा जो स्तर है वो ग्राम लेवल का, ग्राम पंचायत स्तर का है। तो इस तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण एक तरह से हो गया कि स्थानीय समस्याओं को देखते हुए संघ के लिए, पूरे देश के लिए काम किया जाए, यानी एक किसी व्यक्ति, किसी एक सत्ता का उस पर जो है वो कानून को ही थोपा ना जाए, इसलिए कानून का यानी सत्ता का एक विकेंद्रीकरण हो रखा है हमारे देश में, कि उसको कहते हैं हम सेपरेशन ऑफ पावर्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, यानी कि हमारे संविधान ने कुछ हमें मौलिक अधिकार दिए हैं जिसकी रक्षा करना हमारी सरकार का, हमारी न्यायपालिका का परम कर्तव्य है। यानी चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराधी हो, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी देशद्रोही हो, फिर भी हमारे कानून के अनुसार उसको अपना पक्ष रखने का समय, अब उसको अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है, देना पड़ता है संवैधानिक रूप से, यानी कि वो उसका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है कि उस व्यक्ति ने भले ही देश के लिए कुछ अच्छा ना किया हो, लेकिन फिर भी उसने क्यों अच्छा नहीं किया, इसके लिए उसको अपना पक्ष रखना पड़ता है और इसका संविधान हमें राइट देता है कि वो अपना पक्ष रखे, चाहे वो आतंकवादी ही है। इसलिए तो हमारे देश में आतंकवादी भी दसों साल तक पाले जाते हैं, क्योंकि वो इस फंडामेंटल राइट के तहत उनका विकर्ता राइट है, अधिकार है कि वो अपनी बात को सत्ता तक रखे। सेकुलरिज्म मतलब पंथ निरपेक्ष, इसका अर्थ है वहाँ पे पंथ निरपेक्ष, यानी राज्य, यानी देश, यानी राष्ट्र किसी भी धर्म के प्रति कोई लगाव नहीं रखेगा, यानी धर्म के नाम पर कहीं पर भी किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा, यानी राष्ट्र का, देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, उसके लिए सारे धर्म क्या होंगे, समान होंगे, सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव किया जाएगा, ऐसा इस सेकुलरिज्म वाले उसमें हैं। फंडामेंटल राइट की बात आती है, फंडामेंटल राइट हमारे पास कितने हैं, अब केवल हमारे पास फंडामेंटल राइट 5 रह गए हैं, ऐसे पहले 6 थे लेकिन अब कितने रह गए हैं, 5 रह गए हैं यहाँ पर। इसमें पहले है समानता का अधिकार, यानी समानता मतलब कि सभी नागरिकों को समान समझना, यानी संविधान के सामने, देश के सामने, राष्ट्र के सामने सारे लोगों को क्या है, राइट टू इक्वलिटी, समानता, यानी कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई धनी निर्बल नहीं है, कोई शक्तिमान नहीं है, सबके समान एक साथ व्यवहार किया जाएगा, राइट ऑफ इक्वलिटी। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि कहीं पर भी बोलने का अधिकार, कहीं भी बसने का अधिकार, कहीं भी रहने का अधिकार, कहीं भी जाने का अधिकार, ये क्या है, हमारे राइट टू फ्रीडम है, इंक्लूडिंग राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ, कहीं भी आप बस सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, माने शोषण के विरुद्ध, अगर आपको लगता है कि आप कहीं पर आपका अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आप एक्सप्लॉयटेशन को प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं उसका, आप ये अधिकार आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आप कोई भी धर्म मानते हो, आप किसी भी धर्म को फॉलो करो, आप किसी भी धर्म को छोड़ो, किसी भी धर्म को एक्सेप्ट करो, किसी भी धर्म के साथ रहो, बैठो, बातचीत करो, खाना पीना खाओ, कुछ भी करो, ये आपको फ्रीडम है कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह से राज्य आपके ऊपर कोई भी कंपल्सन नहीं डालेगा, कोई भी आपको मजबूर नहीं कर सकता। दिस इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
नेक्स्ट है कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, मतलब सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। हम सांस्कृतिक और शैक्षिक रूप से किसी भी तरह की शिक्षा हो, किसी भी तरह की धर्म संस्कृति हो, उसका ज्ञान ले सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और जिसको चाहें उसको छोड़ भी सकते हैं। तो दिस इज द राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन, एजुकेशनल राइट। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज मतलब कि संवैधानिक उपचारिक का अधिकार, मतलब कि अगर वो कानून के खिलाफ, देश के खिलाफ साजिश ही क्यों ना करता हो, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, लेकिन संवैधानिक रेमिडीज हैं कि उसको एक बार पुलिस के आगे, पुलिस के सामने, कानून के न्यायालय में जाकर के अपना पक्ष रखने का अधिकार संविधान देता है। चाहे आप उसको ऑन स्पॉट आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं, पुलिस के सामने दिया गया बयान उसका सही बयान नहीं माना जाएगा, केवल और केवल न्यायालय के सामने, न्यायाधीश के सामने उसको जो बयान देगा वही काउंट होगा। तो ये हमारा जो रेमेडीज का है, संवैधानिक रेमेडीज का अधिकार है, ये वो अधिकार है जिससे किसी भी आतंकवादी व्यक्ति को भी हम लोग एक मौका देते हैं, हम लोग कानून के खिलाफ, कानून के साथ उसको सजा देते हैं कानून के हिसाब से। तो कई वर्षों तक हमारे यहाँ पर ये उन पे केस चलते हैं। तो स्टूडेंट्स द ये जो चैप्टर था ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो भी आपने पॉइंट आपको बताए हैं ये बुक के पे ही हैं सारे, एनसीईआरटी की बुक पे सारा डिटेल है। आप थोड़ा सा उसको बुक के साथ पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आती है आप फ़ोन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं यहाँ पर ये लाइन की मीनिंग क्या होती है। तो इस तरह से आप इसको बुक के साथ पढ़ेंगे और इन पॉइंट्स को ज़रूर आप नोट करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और आने वाले फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट डे हम आपको इसकी पीडीएफ भेजेंगे, आप विधिवत तरीके से, तमीज से, बहुत अच्छे तरीके से अपनी एक्सरसाइज करिए और घर में बराबर आप जुड़े रहें, पढ़ाई करते रहें। जल्दी ही इस कोरोना काल से हम उबर जाएंगे और फिर स्कूल में मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।